नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में प्रचंड गर्मी के चलते अग्निशमन विभाग के द्वारा अभियान के तहत हॉस्पिटलों व अन्य संस्थानों में मॉकड्रिल कराई गई, जिसके संबंध में आज जांच टोड स्थित वर्धमान हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉकड्रिल कराई गई। मॉकड्रिल के दौरान वर्धमान हॉस्पिटल में वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए हादसे के दौरान बचाव से लेकर इमरजेंसी इलाज का प्रशिक्षण भी दिया गया और बताया गया कि यदि अचानक इतने बड़े अस्पताल में अग्निकांड हो जाए तो कैसे आग पर काबू पाएं और कैसे अस्पताल में मरीजों को फर्स्ट एड किट दिया जाए। अस्पताल में अग्निकांड को दृष्टिगत रखते हुए मुजफ्फरनगर मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार के निर्देशन पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अस्पताल परिसर में अग्निकांड जैसे हालात से बचने और मौजूदा फायर सर्विस के उपकरणों को कैसे इस्तेमाल में लाया जाए, इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा अस्पताल में मौजूद फायर से जुड़े सभी उपकरणों में व्यवस्था की। हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल रखा गया था, जिसमें वहाँ पे इवैक्यूएशन ड्रिल वगैरह सब इसमें बताया गया है, जिसमें यहाँ की एक टीम ने काफ़ी अच्छा किया है। इनके यहाँ सब व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक पाई गई, तो अब मॉक ड्रिल वगैरह सब अच्छे हो गए। अभी भी सर एक घटना हुई थी दिल्ली में, जो बच्चे कहीं बच्चे झुलस गए थे, तो उसको देखते हुए कितने किस तरह का अभियान चलाया गया है अभियान इस समय? अभी शासन और प्रशासन से भी अभी अभियान चलाया जा रहा है, नर्सिंग होम वगैरह खासकर बच्चों का और हॉस्पिटल होटल का और रेस्टोरेंटों के जितने भी हैं, सब जगह अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और जितने भी उनमें कमियां हो रही कमियों को बताया जा रहा है, जो जो पॉइंट उनको बताया जा रहा है उसके बाद जो कमियां है उसके लिए अगर नहीं करवा पाते उनको एक नोटिस दे दिया जा रहा है। उसके लिए इतने दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर आप ये सब काम करवा लीजिए। हॉस्पिटल में सर आज मॉकड्रिल की गई है, किस तरह की, जैसे आपने किया कि यार कुछ कमियां आपको पाई गई है, क्या कुछ नोटिस किया गया है, क्या कुछ निर्देश हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनको दिए गए? नहीं, इनको सब कुछ तो फिलहाल बता दिया गया, यहाँ पर व्यवस्थाएँ सब कुछ ठीक था और यहाँ पे जो भी इक्वेशन डील करवाया गया है फिलहाल सब कुछ ठीक था। और यहाँ पे जो एक डेमो दिखाया गया है, डेमो पे इनको ये बताया गया था कि मतलब आप स्मोक जनरेट कैसे करते हैं वहाँ पे, फिर कैसे वहाँ से निकाला जाएगा, फायर कॉल करते हैं, इनको ये सब बता करके सीधा पहले फर्स्ट एड अपना देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट देने के बाद सीधा एम्बुलेंस बुलवा करके उनको अदर हॉस्पिटल जो शिफ्ट कर दिया जाता है। गर्मी के कारण ज़्यादा आग देखने को मिले, वाहनों में लगातार आग लग रहे, तो क्या कुछ संदेश रहेगा सर? गर्मियों में जो आजकल इसमें आग लग रहे हैं सबसे ज़्यादातर, जैसे अभी तक सुनने में आ रहा है एसी वगैरह ज़्यादा फट रहे हैं। एसी फटने के कारण जो होता है इसका एक टेम्परेचर मेंटेन होते हैं 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं, लगातार ये चलाते रहते हैं, जो कि इसमें काफ़ी लोड बढ़ जा रहे हैं। इसमें एसी वगैरह एक्टिव भी कर जाते हैं फिर भी उसको चलाने का लोग प्रयास करते हैं, तो इसमें एक वैक्यूम सिस्टम रिलीज हो जाते हैं, जो रिलीज ना होने के कारण ये एसी को मतलब ये फट जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर जो इस तरह की एसी? तो इसमें लगातार ये रहेगा कि बिजली उपकरण का थोड़ा सा कम, इतने ज़्यादा घंटे ना चलाएं और जब भी चलाएं उसको एक मैनुअल उस पर आजकल आते हैं ऑटो में कर देते हैं, 2-3 घंटे चलाएं उसको बंद कर दें, टर्बो मोड पे ना लगाएं। हाँ, उसमें ना लगाएं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।